वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है थलाइवी मूवी का फर्स्ट लुक, जो कि कल नहीं दो दिन पहले आउट हुआ है, लेकिन हम लोगों को आज पता चला। वैसे कितनी बुरी बात है, आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं, हम लोगों को पता नहीं चला था। एनीवे, हम बात करते हैं इस मूवी की। तो इट्स अ बायोपिक ऑफ एक्स सीएम ऑफ तमिलनाडु, जिनका नाम था जयललिता। और इस मूवी को अगर हम बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एएल विजय ने, और जबकि प्रोड्यूस किया गया है विष्णु और सिलेश की तरफ से। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है कंगना रनौत और अरविंद स्वामी। और देखते हैं ये मूवी का फर्स्ट लुक कैसा है। बट ये मूवी जो थी ये रिलीज होगी 3 लैंग्वेजेस में, जो कि तमिल, तेलुगु एंड हिंदी है। चलिए पहले देख लेते हैं मूवी का फर्स्ट लुक एंड देन वी विल डिस्कस हम लोगों को कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लुक। मास्टर रेडी? रेडी सर। क्लैपिंग स्टार्ट, कैमरा रोलिंग, टीवी शॉट नंबर 2, टेक 1। बिल्कुल पुराने। अगर बात करें कंगना रनौत मैम की, तो मैं तो उन्हें जब से देखता आ रहा हूँ वो हर मूवी में डिफरेंट रोल के साथ आती हैं, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने रोल्स को प्ले करती हैं। और अगर बात करें इस जो हमने पोस्टर जो अभी देखा है, तो इसमें जो फर्स्ट उनकी जो लुक है उसमें वो एक बहुत चुलबुली सी जो है लड़की दिखाई गई है। लेकिन अगर बात करें इसी पोस्टर में जो उनका दूसरा एक रूप दिखाया हुआ है, उसमें तो टोटली चेंज है। फर्स्ट लुक में तो बिल्कुल भी पहचानी नहीं गई कि वाकई वो ही है। काफी ज्यादा जो है मतलब मेहनत की गई है उनके ऊपर, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत की, और वो साफ दिखाई दे रहा है कि मेहनत है बिल्कुल। और अगर मैं भी बात करूं, मौजम बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि अगर कंगना की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। और यू नो उनकी जो मेन हाइलाइटेड मूवीज हैं उनमें से एक जैसे तनु वर्ड्स मनु है, जिससे मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगना शुरू हो गई थी वो। फिर उसके बाद क्वीन है, फिर मणिकर्णिका है, फिर उसके बाद जजमेंटल आई। मतलब ये कि थोड़े डिफरेंट टाइप के वो करेक्टर्स प्ले कर मूवीज में। और अभी की अगर हम पोस्टर की बात करें तो फर्स्ट लुक में मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पहले वो एक दिखाया हुआ है कि वो एक एक्ट्रेस थी, फिर उसके बाद वो मतलब उन्होंने अपना प्रोफेशन में भी चेंज कर लिया, और वो लाइक जितना हम लोगों ने पढ़ा है कि वो एक्स सीएम है, तमिलनाडु की 5th सीएम है, और लाइक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं वो। तो क्योंकि जो थलाइवी है इसका भी मतलब है लीडर को बोला जाता है, बॉस को बोला जाता है। और यू नो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा थलाइवा वर्ड भी बोला जाता है, वो भी बॉस मीनिंग होता है उसका, मतलब लीडर और सर, यू नो रिस्पेक्ट में बोला जाता है। और थलाइवी बिकॉज शी इज़ फीमेल, आई थिंक इसी वजह से थलाइवा से थलाइवी हो गया। और इसके अलावा अगर इनके साथ जो इनके को एक्टर हैं अरविंद स्वामी सर, जिनकी अभी इसमें लुक तो नहीं दिखाई गई, लेकिन अगर उनकी बात करें तो उनकी भी मूवीज हमने बहुत सारी देखी हुई हैं, जो कि हिंदी डब्ड में हैं, और उनकी मूवीज देखने का भी बहुत मजा आता है। और एक ये फैमिली मूवी होगी आई थिंक सो। हाँ। तो वैसे काफी ऑनेस्टली मुझे कंगना का गेटअप बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैं पढ़ रही थी और इस चीज के बारे में कि ना काफी ज्यादा उनके गेटअप को लेकर उनको ट्रॉल किया गया, तो आई थिंक मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। एंड मैं मौजूद के साथ डिस्कस कर रही थी, हम लोगों को भी ये चीज डिस्कस करनी चाहिए कि एक मेहनत होती है हर करेक्टर के पीछे जो आपको नजर आ रहा होता है, तो उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक फर्स्ट लुक देखी है, और मैं तो सीरियसली बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखें जैसे
लाइक हम लोगों ने डिफरेंट जैसे सॉरी शाहरुख खान को देखा था उन अपनी मूवी के लिए उनको काफी ज्यादा अपनी लुक्स चेंज करनी पड़ी थी जिसमें जीरो थी हाँ नहीं जीरो में तो करनी जीरो में लुक्स नहीं चेंज करनी पड़ी थी उनकी उससे पहले भी उनकी एक फैन मूवी थी जो उसमें उनको अपनी काफी ज्यादा लेकिन जीरो में भी वो काफी ज्यादा चेंज नजर आए थे अपने ओरिजिनल लुक से मुझे वैसे इतना ज्यादा नहीं लगा जितना मुझे उसमें तो एक प्रॉपर फिर उसके बाद अगर हम रणबीर कपूर की बात करें उन्होंने भी एक मेकअप लिया तो मतलब एक आर्टिस्ट इतना ज्यादा वो मैं मतलब देख भी रही थी शाहरुख खान सर की उन कैसे स्किन को ऐसे यू नो पुल किया जाता है फिर टेप्स वगैरह लगाई जाती है और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है तो मतलब इट्स नॉट इजी फॉर देम तो आई थिंक हम लोग को ट्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए काम अच्छा है या नहीं है ये बाद में चीजें डिसाइड होती है लेकिन अब देखना हर जगह हर सोसाइटी में चंद लोग ऐसे होते हैं जो ट्रॉलिंग करते हैं और शायद अपनी आदत से अपनी फितरत से मजबूर होते हैं जो वो करते हैं लेकिन मोस्टली लोगों को देखा जाए तो अप्रिशिएट ही करते हैं उन्हें चीजें पसंद आती हैं बिल्कुल लेकिन ये कि पढ़ने में मुझे ऐसा यू नो मिला कि इस तरीके से हो रहा है एनीवे अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमें बहुत मुझे तो वैसे बहुत मजा आता है ऐसी मूवीज देखने का जो कि बायोपिक्स होती हैं क्योंकि उनमें काफी सारे आपके एक इंसान के लाइफ के बारे में बताया जाता है अब हम टीजर या ट्रेलर वैसे फर्स्ट लुक मुझे तो काइंड ऑफ टीजर ही लगा है अगर फर्स्ट लुक ही लगी है क्योंकि अभी मूवी जो है जून 2020 में या 2020 जून में ये आउट होने तो मेरा ख्याल है इससे पहले टीजर भी आएगा और ट्रेलर भी आएगा और जब वो आएंगे तो हम उस पे जो है अपने डिस्कशन करेंगे इनके बारे में और हम जो है एक्सप्लोर करेंगे और जो जो इन्होंने किया है वो भी हम आप लोगों को जरूर बताएंगे एनीवे ये तो थी हमारी आज की वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी आप क्या मजीद जानते हैं क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज होगा आप भी हमें जरूर कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और कौन कौन है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा ताकि हम लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो और जब हम टीजर ट्रेलर देखें तो हम डिस्कस कर सके वो सही बात है और इसी के साथ मेरे चैनल में वीडियोस करें लाइक मेरे चैनल करें सब्सक्राइब वीडियोस करें शेयर कीप अस इन योर प्रेयर्स गुड बाय